বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর আজ তৃতীয়বার প্রচারে এলেন বিজেপির শীর্ষ নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ খড়গপুর শহরের বিএনআর ময়দানে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে এক জনসভায় যোগ দিয়ে তিনি বলেন, বাংলা এবার পরিবর্তনের সরকার গড়তে চলেছে। প্রথম কংগ্রেস, পরে বাম ও সবশেষে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার উন্নয়নকে আটকে রেখেছে। প্রাধান্য পেয়েছে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি। গরিব, আদিবাসী, দলিত, পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यह उत्साह साफ साफ कह रहा है बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल में इस बार। साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूं इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती पर हमारे 130 के करीब कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार বিজেপি সরকার। শ্রী মোদী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে দুর্নীতি ও কুশাসন চলছে। দিদির পাঠশালা হল নির্মমতা, কাঠমানি ও সিন্ডিকেটের। এই পাঠশালা সিলেবাস তোলাবাজি বলে তার অভিযোগ। ভাই ও বহনো, পহলে কংগ্রেস, ফির লেফট, আর আব টিএমসি নে बंगाल के विकास को अवरुद्ध करके रखा है। दीदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड दलित, आदिवासी, पिछड़ों का हक छीनना, दलितों का हक छीन लेना, आदिवासियों का हक छीन लेना, पिछड़ों का हक छीन लेना, गरीबों का हक छीन लेना और वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते रहना, यही इनका खेल चला है। दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहां की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। दीदीर पार्टी होच्छे নির্মমতার পাঠশালা। দিদির পাঠশালাতে সিলেবাস হচ্ছে তোলাবাজি। দিদির পাঠশালাতে সিলেবাস হচ্ছে কটমনি। দিদির পাঠশালাতে সিলেবাস হচ্ছে সিন্ডিকেট। সাথিয়ों, आज पश्चिम बंगाल में शिक्षा की क्या स्थिति है, एक खड़गपुर के लोग बहुत भली भांति जानते हैं।